हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में। जो 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी सिंटेक्स बोर्ड की जो बुक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो 9th क्लास की बुक है एक्चुअली वो जो है उसमें चैप्टर तकरीबन 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं टोटल। तो उन 18 चैप्टर में असल में बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें याद करने की हैं, चीज़ें समझने की हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके अभी बताने वाला हूँ, अगर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कर लें तो आपके स्कूल के जो फाइनल पेपर हैं वो भी निकल जाएगा और जो फाइनली जो बोर्ड का पेपर है वो भी आपका आराम से निकल सकता है। तो दो चीज़ों की गारंटी मेरे पास है। पहली चीज़ कि स्कूल का पेपर आराम से निकल जाएगा और जो फाइनली बोर्ड का पेपर है वो भी निकल जाएगा। तो हम शुरू के 10 चैप्टर के बारे में अभी इम्पॉर्टेंट के बारे में बताएंगे। उन 10 चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट निकाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो जाएंगे। अगर वो 10 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट अगर आपने कर लिए वो तकरीबन टोटल 48 क्वेश्चन है। देखिए आप 50 क्वेश्चन भी नहीं है, 48 क्वेश्चन है। अगर वो इम्पॉर्टेंट 48 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इससे आपका होगा क्या? आपको मैंने दो चीज़ों के बारे में बता दिया है कि पहला स्कूल के पेपर आराम से निकल जाएंगे और दूसरा यह था बोर्ड का पेपर भी आपका आराम से निकल जाएगा। तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों आपने जैसे ये 10 चैप्टर शुरू के 10 चैप्टर्स के आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए होंगे, वो आपको मैंने बता दिए थे कि टोटल 48 क्वेश्चंस हैं। तो अब उन 48 क्वेश्चंस को हम फर्दर वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आप ये देखेंगे कि हम उन फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप बोर्ड के पेपर में या फिर स्कूल के पेपर में आप अपनी वर्डिंग में भी, अपने अल्फाज में भी आप आराम से उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।